हेलो फ्रेंड, गौतम एग्रीकल्चर स्टडी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, एंड कोई मिस्टेक होती है फ्रेंड तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं एलिलोपैथी क्या होता है। एलिलोपैथी तो एलिलोपैथी ये होता है फ्रेंड कि जैसे कोई दो क्रॉप है, ठीक है, दो क्रॉप, तो एक मतलब मान लीजिए इस क्रॉप से कोई केमिकल जो भी मतलब केमिकल पदार्थ निकलता है तो वो क्या करता है, दूसरे क्रॉप को मतलब हार्मफुल इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, एलिलोपैथी। अब ये क्या करता है कि जो इससे ये केमिकल मतलब पदार्थ निकल रहा, केमिकल मैटर, ये क्या कर रहा है, दूसरे क्रॉप की ग्रोथ पे, जर्मिनेशन पे, डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अपने जो क्रॉप है उसकी यील्ड कम होती है, अपने लिए मतलब देखा जाए तो दूसरे क्रॉप के लिए ये हार्मफुल होता है और अपने लिए भी हार्मफुल ही होगा एक तरह से, कि यदि हम उस क्रॉप को अपन अपने लिए यूज़ कर रहे हैं खाने पे कुछ भी तो केमिकली हार्मफुल होगा, ठीक है। तो इससे क्या बोल देते हैं हम, एलिलोपैथी। जैसा कि बोला जाता है कि अगर सनफ्लावर क्या होता है, अगर फील्ड पे लगा है तो उसे हम क्या करना चाहिए कि उसके बाद हमें 15 से 20 दिन का मतलब डिस्टेंस पे हमको दूसरी क्रॉप को ग्रो करना चाहिए। क्या होता है कि जो सनफ्लावर होता है उससे जो एलिलो केमिकल निकलता है वो अपने आने वाली जो नेक्स्ट क्रॉप होती है उसके जर्मिनेशन और ग्रोथ डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट करता है, हार्मफुल इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। फिर देखते हम ये जो ये होता है एलिलोपैथी, होती है दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट तो आपका होता है ट्रू एलिलोपैथी। ट्रू एलिलोपैथी क्या होता है कि जैसे एक क्रॉप, एक प्लांट में जो केमिकल का हार्मफुल इफेक्ट होता है वो उसी मतलब कहा जाए तो जिस फॉर्म में इफेक्ट कर रहा है उसी फॉर्म में होता है, तो हम क्या बोल देते हैं उसे, ट्रू एलिलोपैथी, ठीक है ना, ट्रू एलिलोपैथी। और जो आपका ये फंक्शनल होता है, ये फंक्शनल क्या होता है कि पहले ये इसमें प्रिकर्सर निकलता है जो बाद में कुछ मतलब माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं उसके एक्टिव होने से ये क्या करता है, एक हार्मफुल मैटर में चेंज हो जाता है, हार्मफुल पदार्थ में जो बदल जाता है और क्रॉप प्लांट को इफेक्ट करता है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, फंक्शनल। मतलब ये डायरेक्टली करता है, ये इनडायरेक्टली करता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है कि फंक्शनल के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है आपका एलिलो इनहिबिटेशन, जिसमें क्या होता है कि किसी एक स्पीसीज का जो मान लीजिए ये एक स्पीसीज हो गई, ये कोई दूसरे प्लांट की दूसरी स्पीसीज, तो मतलब एक प्लांट की जो स्पीसीज है वो दूसरे प्लांट की स्पीसीज को जब इफेक्ट करती है तो उससे क्या बोल देते हैं हम, परसंदमन। हिंदी इसका क्या होता है, परसंदमन या एलो इनहिबिटेशन, ठीक है। और जो नेक्स्ट है आपका सेकंड, ऑटो इनहिबिटेशन। ये क्या होता है कि किसी एक प्लांट जो होता है वो खुद स्वयं को क्या करता है, हार्मफुल इफेक्ट करता है, तो इसे क्या बोल देते हैं, स्वसंदमन। नाम से ही पता चल रहा, स्वसंदमन और परसंदमन। पर मतलब दूसरे क्रॉप या दूसरे प्लांट स्पीसीज को, स्वसंदमन मतलब उसी प्लांट स्पीसीज को, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटो इनहिबिटेशन। ओके फ्रेंड, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू सो मच।